आज आए हैं हम तापस भाई की गाड़ी पे कुछ मजेदार से रुचिकर गतिविधियां करने। देखते हैं कि क्या करते हैं एक्टिविटी में। चलो तापस भाई गाड़ी चला रहे हैं, कैमरा में है विपुल भाई, मैं जय, और हमारे साथ एक और गाड़ी में साथी है ये वाला गुब्बारा। और देखते ये है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो ये गुब्बारे में होता क्या है। तो अभी गाड़ी रेस्ट पे है और गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो देखते हैं कि गुब्बारा कहाँ जाता है। उसी तरह से गाड़ी को जो है अभी ब्रेक करते हैं। तो हम सभी की तरह ये बलून भी जो है वो थोड़ा आलसी नेचर होता है, कि जाने कि वो अगर रेस्ट पे है, वो स्थिर है, तो वो वही स्टेट में रहना चाहता है। और इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो जब भी गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो ये जो गुब्बारा है वो पीछे जाता है अपनी रेस्ट वाली पोजीशन के ऊपर ही रहने के लिए। उसी तरह से जब हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे गाड़ी के अंदर, ये गुब्बारा भी सेम वेलोसिटी के साथ हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तब वो अपना ये मोशन वाला जो स्टेट है वो प्रिजर्व करने के लिए आगे चला जाता है। अब हमारे साथ आए हैं एक नए साथी, ब्लू कलर का गुब्बारा, और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और ये हमारा जो ब्लू कलर का साथी है उसमें हीलियम की हवा भरी हुई है, जो वातावरण की हवा से हल्की है, और पिछले गुब्बारे से बिल्कुल ठीक विपरीत होता है। उसमें जब भी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो ये आगे की ओर जाता है, और जब भी ब्रेक मारते हैं तो ये पीछे की ओर जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे थे तो जो गाड़ी के अंदर की हवा थी वो स्थिर थी पहले, और गाड़ी चलाने के बाद वो पीछे की ओर ज्यादा इकट्ठा हो रही है, और ये जो हवा से हल्का वाला जो बलून है उसको आगे की ओर धक्का मार रही है। अब दोनों साथी हमारे साथ आ गए हैं और गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। तो जैसे हम हीलियम वाले गुब्बारे के साथ गतिविधि कर रहे थे, ठीक उसी तरह ये पानी की बोतल के साथ कर सकते हैं। तो ये पानी की बोतल के अंदर हवा है, और जैसे हीलियम हवा से कम डेंस था, उसी तरह से ये हवा जो है वो पानी से कम डेंस है। तो जब भी हम गाड़ी एक्सेलरेट करते थे तो जैसे हीलियम का गुब्बारा आगे की ओर जा रहा था, ठीक उसी तरह ये जो हवा का बबल है वो भी पानी में आगे जाएगा।